हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता शारदा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल मोहन थाल, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पे हमें घर में ही है रहना और भगवान श्री कृष्ण को घर के ही सामान से कुछ अच्छा भोग लगाना है। इसीलिए हम आज बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाने के लिए मोहन थाल। आइए इसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन लिया हमने, 2 कप के करीब, और हम 2 कप बेसन लेंगे तो 1 कप चीनी लेंगे, और हमने 1 कप हमने दूध लिया है, आधी कटोरी हमने घी लिया है, और थोड़े हमने बादाम, काजू और पिस्ता लिए हैं, कुछ हमने केसर के धागे लिए हैं। आइए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं मोहन थाल। सबसे पहले हमें बेसन लेना है अपना, हमने इसको छान लिया था छन्नी में। अब हमें एक कटोरी लेनी है, इसमें हमें 3 चम्मच घी डालना है गरम, ये देखिए हमने 3 चम्मच देसी घी लिया है, और हमें 3 चम्मच ही गरम दूध लेना है। हमारा घी अच्छी तरह से दूध में मेल्ट हो जाए इसलिए हमें गर्म दूध लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से घी इसमें एडजस्ट हो गया है। अब हमें इसे अपने बेसन में डाल देना है और इसको इस तरह से हाथों से मसलना है, इस तरह से फ्रेंड्स। हमें पूरे बेसन में अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, जिस तरह से मोयन देते हैं उसी तरह से। हमें 2 से 3 मिनट हो गए अपने बेसन में घी और दूध मिलाते हुए, देखिए अब अच्छी तरह से मिल गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए डोंगे में डाल के रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमें 10 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि इसमें घी और दूध अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद हम इसे छानेंगे। देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं हमें बेसन को रखे हुए, अब हमें इसे छानना है। आप छान सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सी में भी चला सकते हैं इसको। हम इसे छान रहे हैं, मिक्सी में चलाने से भी इतना ही ऐसे सही हो जाता है। ये देखिए इससे हमारा बहुत ही सॉफ्ट मोहन थाल बनकर तैयार होगा। इस तरह हमें अपने सारे बेसन को छान लेना है। फ्रेंड्स हमें छानना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम दूध और घी मिलाते हैं तो इसमें इस तरह से गांठें पड़ जाती हैं। इसको फाइन करने के लिए हमें छानना पड़ता है, और छानने से हमारा मोहन थाल बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इस तरह से हमें सारा इसको छान लेना है। अगर फ्रेंड्स आखिर में थोड़ा सा रहे आपसे नहीं छने तो आप इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं। मिक्सी में चलाने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट और प्लेन हो जाता है ये। देखिए फ्रेंड्स हमने छान दिया अपना बेसन और बिल्कुल फाइन हो गया हमारा बेसन। अब हम गैस चलाएंगे। गैस पे कढ़ाई रखनी है हमें मोटे तले वाली कढ़ाई चाहिए, या तो हम नॉनस्टिक वाले में कर रही, नहीं तो हम एल्युमिनियम का चाहिए तो हमें कोई मोटे तले वाले में बनेगा ये। इसमें हमें घी डालना है आधी कटोरी, हमें 250 ग्राम बेसन में टोटल 180 ग्राम से 200 ग्राम तक घी लगता है। जब भी हमारा मोहन थाल अच्छा बनता है और इसमें हम बेसन डाल देंगे अपना। आज को मीडियम रखना है ताकि जले ना,
अगर ये नीचे लग जाएगा तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा, कड़वा बेसन, बेसन में कड़वा स्वाद आ जाता है। हमें अपने बेसन को ब्राउन होने तक पकाना है और लगातार चलाते रहना है, जब भी हमारा मोहन थाल अच्छा बनके तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं अपने बेसन को चलाते हुए। इस तरह से ये बहुत ही हल्का हो गया है और फूल गया है और ब्राउन हो गया है। अब हमें इसमें दूध डालना है, हमें 2-2 चम्मच करके दूध डालना है इसमें। टोटल आधा कप दूध डालना है इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना। इससे हमारा मोहन थाल बहुत ही दानेदार बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। जैसे ही सूख जाएगा दूध, फिर और डाल देंगे। ये देखिए दाने दाने से बन रहे हैं, यही निशानी है कि हमारा मोहन थाल बहुत अच्छा बनने वाला है। इससे इसमें ना खोए के डालने की जरूरत पड़ेगी, ना मिल्क पाउडर डालने की जरूरत पड़ेगी। वैसे आप अगर खोया डालना चाहते हैं तो 100-125 ग्राम खोया डाल सकते हैं इस टेस्ट में इसमें, और मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। हमने टोटल आधा कप दूध डाल दिया है इसमें, इसको चला देंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम नीचे डाल लेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि जले ना। और इतने एक पैन में इसे एक पैन रख देंगे इसमें, और इसमें हमें चाशनी बनानी है अपनी। चाशनी के लिए हमें चीनी डालनी है और एक कटोरी हमें पानी डालना है। जिस कटोरी से हमने चीनी और बेसन नापा था उसी कटोरी से हमें चीनी भी पानी भी डालना है। देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। अब इसमें हम केसर भी डाल देंगे ताकि इसका कलर भी आ जाए। अगर फ्रेंड्स हमें बर्फी के पीस की तरह जमाना है तो हमें 1 से 1.5 ताल की चाशनी बनानी पड़ेगी, लेकिन हम सॉफ्ट मोहन थाल बना रहे हैं इसके लिए हमें 1 ताल की चाशनी नहीं, खाली चिपचिपा होना चाहिए, हल्की सी तार बननी चाहिए। ऐसी ही चाशनी बनाएंगे अपने मोहन थाल के लिए। फ्रेंड्स, हल्का सा आप कलर चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं इसमें, पीला। ये देखिए, वैसे केसर का भी कलर अच्छा आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं इसमें पीला, येलो। इससे थोड़ा हमारा देखने में और मोहन थाल अच्छा लगेगा। हमारी चाशनी पक चुकी है, देखिए खाली हम थोड़ा सा ठंडा करके इस तरह से करेंगे तो खाली तेल की तरह चिपचिपापन होना चाहिए, हल्की सी तार बन रही है। इस तरह से हमें चाशनी चाहिए, हल्की सी तार बननी चाहिए बस। अब हम गैस को बंद कर देंगे, एक हाथ से हम चाशनी डालेंगे, एक हाथ से हम इस बेसन को चलाते रहेंगे। हम कम या ज्यादा मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कभी फूलेगा फ्रेंड्स, इसे 10 मिनट के लिए मैसी छोड़ देना, इतना पतला होना चाहिए जब भी हमारा अच्छे से फूलेगा बेसन। और 10 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देंगे। इतने हमने देखिए, हमने अपने मोहन थाल बनाने के बर्तन में घी लगा दिया है और अपने ड्राई फ्रूट की कतरने काट लिए हैं, इस तरह से बादाम, पिस्ता और काजू। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोहन थाल कितना जालीदार बना है और इसने चाशनी को एडजस्ट कर लिया है। अब ये गाढ़ा हो गया है कितना, अब इसे हमें प्लेट में जमा देंगे, किसी भी थाली में आप जमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना मोहन थाल इसमें जमा दिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट की कतरने डाल देंगे, पिस्ता, बादाम और काजू, इस तरह से। और 1 घंटे के बाद सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोहन थाल बनकर तैयार हो गया है, कितना टेस्टी। आप भी इस तरह मोहन थाल बनाकर इस बार जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी को जरूर भोग लगाइए और घर में सब परिवार खाइए।
अगर आपको हमारे ये मोहनथाल बनाने की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।